क्वेश्चंस। मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल एडवेंट एडु में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिजिक्स के आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए एक हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, और ये टॉपिक है हमारा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसमें सीखेंगे कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में अगर हम रख दें और रखते हैं और रखने के बाद उसको थोड़ा सा घुमाएं, किसी कोण पर उसको हम रोटेट कर दें, तो उस पर बल युग्म लगने लगता है। और जब बल युग्म लगेगा तो उस बल युग्म का एक आघूर्ण भी होगा। उसी आघूर्ण के मान को आज हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं हैं और इन वैद्युत बल रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये सब वैद्युत बल रेखाएं हर जगह समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी वैद्युत बल रेखाएं मिलकर के एक समान वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही हैं और इस वैद्युत क्षेत्र को हमने वेक्टर ई माना हुआ है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव रखा, तो यहां एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हम देख रहे हैं कि एक डायपोल रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं वो है माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब ये वैद्युत द्विध्रुव इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब ये हुआ कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो बल लग रहा होगा उस बल का मान समान होगा। तो जब हर बिंदु पर बल का मान समान होगा और यहाँ पे आवेश भी समान है, यहाँ प्लस क्यू है यहाँ माइनस क्यू है, तो इन आवेशों के जो आंकित मान होंगे वो समान होंगे, केवल चिन्हों में डिफरेंस है, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो इनपे जो बल लगेगा वह बल भी समान ही होगा, बस फर्क इनकी दिशाओं में होगा कि यहाँ धन आवेश पर लगने वाला बल F इस दिशा में है और इस ऋणात्मक आवेश पर जो बल लग रहा है F वो इस दिशा में है। ये दोनों ही बल आपस में समान होंगे और ये समान बल हमने इनका मान F मान लिया है। तो ये दोनों ही समान बल एक साथ मिलकर के बल युग्म का कार्य करेंगे और ये दोनों ही बल जब बल युग्म का कार्य करेंगे तो यह बल युग्म इस द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, या तो घुमा देगा या तो प्रयास करेगा। तो जब ये दोनों बल मिलकर के जब बल युग्म का निर्माण करेंगे तो वह बल युग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे या फिर घुमा देंगे। तो दोनों बल मिलकर के बल युग्म बनाए, तो जब ये बल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं तो इनका एक आघूर्ण भी उत्पन्न होगा और उसी आघूर्ण के मान को हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो द्विध्रुव पर लगे बल युग्म का आघूर्ण, इस द्विध्रुव पर लगे बल युग्म के आघूर्ण को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया है। तो हम टाउ ले लिए, ये टाउ क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एक बल गुणित दोनों बलों की क्रियात्मक रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का मतलब यह हुआ कि ये दो बल लगे हुए हैं, दोनों बल आपस में समान हैं, लेकिन हमें इन दोनों बलों में से किसी एक बल को ही पकड़ना है। क्योंकि दोनों ही बल समान हैं तो आप किसी भी बल को पकड़ सकते हैं, चाहे ये चाहे ये, तो इन दोनों में से केवल एक ही बल को हमें रखना है। तो हमने ये रख दिया एफ इनटू दोनों बलों की क्रियात्मक रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
ये जो बल है ये इधर जा रही है और ये बल की दिशा इधर है। अगर हम इस बल की दिशा को अगर हम पीछे बढ़ाएं और इसको भी पीछे बढ़ाएं तो एक प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही बल रेखाएं यानी इस बल की क्रियात्मक रेखा और इस बल की क्रियात्मक रेखा दोनों की क्रियात्मक रेखाएं आपस में समांतर होंगी और समांतर होंगी तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी यानी दो रेखाओं के बीच की जो समान जो दूरी होती है दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम क्रियात्मक रेखा दूरी कहेंगे। तो चूंकि ये बल इधर क्रिया कर रही है और ये बल इधर क्रिया कर रही है तो इनकी क्रियात्मक रेखाओं को हम पीछे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाएं, इसको इधर पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच लंबवत दूरी हमें यही प्राप्त होगा। और वेक्टरों के वियोजन के सिद्धांत से चूंकि हमारे वैद्य द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2L है और कोण बन रहा है थीटा, इस 2L को अगर हम वियोजित करेंगे तो ये जो लंबाई प्राप्त होगी ये लंबाई होगी 2L cos थीटा, क्योंकि जिस रेखा से कोण थीटा बन रहा है उस रेखा की ओर जो वियोजित भाग होता है वो cos के रूप में होता है, इसलिए ये भाग 2L cos थीटा हो जाएगा परंतु ये लंबाई sin के रूप में होगा यानी कि 2L sin थीटा में प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2L के दो वियोजित भाग हमें प्राप्त होंगे, पहला है 2L cos थीटा और दूसरा है 2L sin थीटा। अब सवाल यह कि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है लेकिन दूरी लेंगे कौन सी, तो लेंगे हम इस दूरी को क्योंकि क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी हमें चाहिए और क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी 2L sin थीटा ही तो है, इसलिए हम क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी बीच जो लंबवत दूरी है वो लिखेंगे 2L sin थीटा। अब आते हैं F पर, तो हम जानते हैं कि F is equal to Q into E होता है तो इसलिए हम यहां पे Q into E लिखेंगे और into ये 2L sin theta। अब इसको जरा हम सेट करेंगे तो यहां पर हम ये पाते हैं कि Q into 2L sin theta को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2QL 2QL हमने रख दिया, अब बगल में E sin theta। अब हम जानते हैं कि 2QL is equal to आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है तो इसलिए हम यहाँ पे tau is equal to 2QL की जगह लिखेंगे P, तो हमने ये P लिख दिया और ये into E sin theta। अब इसी चीज को अगर हमें ये फाइनली हमें सूत्र ये मिल गया, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है ये इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण का ये सूत्र हमें मिल गया है tau is equal to PE sin थीटा। लेकिन अगर इसी सूत्र को अगर हम वेक्टर रूप में रखना चाहें तो हम जानते हैं P और E के बीच गुणा हो रहा है और sin रूप में है, sin रूप में है, हम इसको तुरंत समझ सकते हैं ये दोनों का सदिश गुणन होगा क्योंकि सदिश गुणन ही sin रूप में आता है, अदिश गुणन cos रूप में रहता है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं कि वेक्टर tau is equal to वेक्टर p cross वेक्टर e। तो अगर मल्टीप्लाई sin रूप में आ रहा है तो वहां उनके बीच में आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा यानी कि सदिश गुणन होगा और अगर cos रूप में आ रहा है तो वो आपका अदिश गुणन होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से डेरिवेशन हमें ये प्राप्त हो गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण tau is equal to वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होता है या फिर आप tau is equal to e sin theta भी कह सकते हैं। अब आते हैं इसकी दो विशेष स्थितियों पे। अगर ये आपका द्विध्रुव मान लीजिए कि क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो जब ये क्षेत्र समांतर हो जाएगा तो जैसे इस प्रकार से ये आपका द्विध्रुव है ये जब ऐसे घूम जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा जीरो, तभी तो ये समांतर कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर जीरो मतलब कैसी पोजीशन है, ये वो पोजीशन है कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो गया, तो जब क्षेत्र के समांतर हो गया तो उसमें थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, तो उसमें tau is equal to कितना होगा, तो tau is equal to हो जाएगा PE sin थीटा, तो थीटा की जगह लिखेंगे जीरो, sin जीरो हो जाएगा और sin जीरो का मान कितना होता है जीरो होता है, तो इसलिए हमें जीरो मिलेगा। यानी कि अगर द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो जाता है
तब इस स्थिति में उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, यानी उस स्थिति में उस पर लगे बल युग्म का कोई आघूर्ण नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही द्विध्रुव अगर लंबवत हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगर ये लंबवत हो जाता है, उस स्थिति में ये थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो हमें टाउ इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, पीई साइन 90, और साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो इस प्रकार से हमें टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई प्राप्त होगा। ये दो स्थितियां हैं। तो हम जानते हैं कि साइन का जो अधिकतम मान होता है वो +1 होता है, तो इसलिए इस 90 डिग्री के पोजीशन पे जब द्विध्रुव आपका 90 डिग्री पे इस तरह से हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो उस समय इस पे जो बल युग्म लग रहा है उनके बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो भी अधिकतम होगा। तो ये है टॉपिक। और एक बात और, अगर टाउ इज इक्वल टू पीई तो हमें प्राप्त हो गया, तो यहीं से हम चाहे तो ये जो द्विध्रुव का आघूर्ण है पी उसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने थीटा का मान 90 डिग्री रखा है तो हमें टाउ इज इक्वल टू पी प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में चूंकि साइन थीटा का मान अधिकतम मान +1 होता है, तो ये +1 होता है थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पे, तो उस स्थिति में टाउ इज इक्वल टू पी प्राप्त होगा। तो ये जो टाउ है इसका भी मान अधिकतम ही माना जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई, और इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू टाउ मैक्स एक्स अपॉन ई लिख देंगे। अगर हम ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलोम अगर रखें तो हमें पी इज इक्वल टू टाउ मैक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है पी, उसकी भी परिभाषा बना सकते हैं और क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव के उस बल युग्म का आघूर्ण है जो कि 1 न्यूटन प्रति कूलोम के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। अर्थात कि जब हम 1 न्यूटन प्रति कूलोम के वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को लंबवत रखेंगे तो उस स्थिति में जो उस पर बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त होगा वही बल युग्म का आघूर्ण उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के नए सिलेबस में इस पहले चैप्टर के साथ साथ गॉस का भी चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए दोनों चैप्टर मिला करके जो चैप्टर तैयार हो रहा है वो आपका पहला चैप्टर, यानी कि आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत आवेश वगैरह तथा साथ में गॉस, तो गॉस प्रमेय, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, उन सब चीजों को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगले वीडियो से ये आपका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और इसको लाइक कमेंट और शेयर जो भी है जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप एक एक चीज को पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर आपको फिजिक्स में पकड़ बनानी है तो आपको इस वीडियो जितने भी वीडियो हैं उन सबका एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो और आपका हेल्थ भी बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट।